आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोकभवन में सिंचाई विभाग के साथ बैठक करेंगे और बाढ़ परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व की समीक्षा बैठक का फीडबैक भी लेंगे और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, प्रमुख सचिव सिंचाई समेत विभाग के अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और ये बैठक शाम 5:30 बजे लोक भवन में होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, जौनपुर समेत पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री के साथ ही मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मौजूद रहेंगे, जिसके बाद सीएम ऊर्जा विभाग के साथ भी बैठक करेंगे और आ रही दिक्कतों के ऊपर बातचीत भी करेंगे। तो कुलपतियों के साथ आज बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होगी और कई मुद्दों पर बात होगी। आपको बता दें कि 5:30 बजे ये बैठक होनी है लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, जौनपुर समेत पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ बैठक करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री के साथ ही मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मौजूद रहेंगे, जिसके बाद सीएम ऊर्जा विभाग के साथ भी बैठक करेंगे। जिस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कोयले की कमी और जिस तरह से बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, उन सभी चीजों पे समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे और बात करेंगे। जितनी भी परेशानी आ रही है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, साथ ही सख्त दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। जिस तरह से 100 दिन का खाका तैयार करने और प्रेजेंटेशन का दौर चल रहा है, उसको देखते हुए लग रहा है कि आने वाले समय में जो परिस्थितियां हैं वो बदलेंगी और इन्हीं सबको देखते हुए एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लोक भवन में सिंचाई विभाग के साथ बैठक करेंगे ताकि जो किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त सिंचाई के लिए, खेती में जिन भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सिंचाई से संबंधित, साथ ही साथ बाढ़ परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे बैठक के दौरान, क्योंकि बाढ़ की जो समस्या है वो लगातार बनी रहती है। हर बार बारिश का मौसम आते ही बाढ़ की समस्याओं से जूझते हैं गांव, उनको लेकर भी बैठक होनी है और कई अहम मुद्दों पर बात होगी। बाढ़ परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व की समीक्षा बैठक का फीडबैक भी लेंगे कि जो पहले बैठक हुई थी उसमें जिस तरीके से काम किया गया है, उसके बाद जो फीडबैक निकला है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, दिशा निर्देश देंगे अधिकारियों को। साथ ही साथ बैठक में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, प्रमुख सचिव सिंचाई समेत विभाग के अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक शाम 5:30 बजे लोक भवन में होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके अलावा भी कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे, कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ भी बात करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से सुधार किया जा सकता है, इन सभी चीजों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ऊर्जा मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे और साथ ही जिस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनके ऊपर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक है उनको लेकर आज ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जितने भी मुद्दे हैं आज 3 महत्वपूर्ण मुद्दे, वो चाहे शिक्षा हो गए या फिर सिंचाई से संबंधित परेशानियां हो गई, उन सभी को लेकर आज की बैठक अहम मानी जा रही है। इस खबर पर मैं से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, 5:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ आज अहम बैठक करने वाले हैं जिसमें सभी कई जगह के सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, जौनपुर यानी कि पूर्वांचल के विश्वविद्यालयों के कई कुलपतियों के साथ बैठक होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सीधे तौर पे ध्यान रहेगा सीएम का, किस तरह से देखते हैं? विभांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से। तो ऊर्जा विभाग में जिस तरह से परेशानियों का दौर देखने को मिल रहा है, वो चाहे ऊर्जा विभाग घाटे में चल रहा हो या फिर बिजली कटौती हो, कोयला संकट हो, इन तमाम चीजों पे आज बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इन सब चीजों पे चर्चा करने के बाद ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी आला अधिकारियों को दिए जाएंगे। इस
इसके साथ ही सिंचाई विभाग के साथ भी बैठक होनी है सीएम योगी आदित्यनाथ की। सिंचाई विभाग काफी अहम है, किसानों की समस्याओं को दूर करने की बात कही गई थी, चाहे चुनाव से पहले मैनिफेस्टो हो या फिर 2.0 की जिम्मेदारी संभालने के बाद जिस तरह से दावेबाजी किए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। गर्मी का मौसम है और ऐसे में फसलों को पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और सिंचाई विभाग के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है ताकि किसानों की समस्याओं को दूर करा जा सके। लगातार भीषण गर्मी बढ़ रही है, आग लगने की समस्याएं भी खेतों में देखने को मिलती है, बाढ़ की समस्या, हर बार बारिश के दौरान जब भी बारिश का मौसम होता है बाढ़ की समस्या भी देखने को मिलती है, लेकिन इसका कोई निदान नहीं निकलता है, उसको देखते हुए भी आज ये बैठक अहम मानी जा रही है। तो कई अहम मुद्दों पर आज बैठक होने वाली है। आजम खान से जेल में मिलने वालों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। अब कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन आज आजम खान से मिलने पहुंचे। इससे पहले शिवपाल यादव एक सपा विधायक भी वहां पहुंचे थे। शिवपाल से तो आजम खान मिले थे लेकिन सपा विधायक से उन्होंने किनारा कर लिया था। बता दें कि जेल में बंद आजम खान और उनका परिवार फिलहाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज चल रहा है। रामपुर से विधायक और सपा के कद्दावर मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले मोहम्मद आजम खान पिछले 2 सालों से जेल में बंद है और अब जिस तरह से उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है सपा से और तबीयत भी नासाज चल रही है, इन सभी चीजों को देखते हुए अब उनसे मिलने वालों का तांता लग रहा है। जब से एक खबर सामने आई है कि आजम खान के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनके द्वारा सपा से नाराजगी देखने को मिल रही है आजम खान और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, उसके बाद से ही अन्य दलों के लोगों का मिलने का जो दौर है वो लगातार शुरू हो गया है। आजम खान से मिलने के लिए मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, उनके हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके खिलाफ जुल्म हुआ है। आजम खान के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, एक योगी हैं, सन्यासी हैं। सन्यासी समदर्शी भाव का होना चाहिए, सन्यासी का हृदय विराट होता है। उनकी हुकूमत में किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर जुल्म होना ये अपने आप में अन्याय है। आजम खान से मिलने के लिए मैं कोई रणनीति तो आजम खान से मिलने का दौर लगातार जारी है और अभी सपा के नेता भी उनसे मिलने पहुंच रहे थे लेकिन जिस तरह से बात करी जाए सपा के नेता से किनारा कर लिया। रविदास मेहरोत्रा पहुंचे थे लेकिन खराब तबीयत का हवाला दिया और उनसे मिले नहीं आजम खान और लगातार दौर जारी है। प्रसपा के नेता प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव आजम खान से मिलने पहुंचे थे, उनसे तो मुलाकात कर ली थी आजम खान ने लेकिन सपा नेता से सपा विधायक से उन्होंने मुलाकात नहीं करी थी। और अब बात करी जाए कांग्रेस के नेता की तो कांग्रेस नेता से आज मुलाकात करी है। रामपुर के विधायक और सपा के कद्दावर मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले मोहम्मद आजम खान पिछले 2 सालों से जेल में है लेकिन जिस तरह से सपा के नेताओं द्वारा या फिर सपा प्रमुख द्वारा आजम खान की सुध नहीं ली गई इससे काफी नाराज नजर आ रहे हैं आजम खान और उनके कार्यकर्ता, जिसके बाद अब सपा से खुलकर नाराजगी देखने को भी मिल रही है और अब बाकी दलों के नेताओं द्वारा दिलचस्पी ली जा रही है आजम खान और उनकी तबीयत में। वहीं अब कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन आजम खान से मिलने पहुंचे हैं, हालांकि इसे सिर्फ शिष्टाचार भेंट बताया गया। और इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता सुनील तिवारी जुड़ चुके हैं सीतापुर से। क्या कुछ जानकारी है जब मिलने पहुंचे कांग्रेस के कद्दावर नेता तो क्या कहा उन्होंने? जी ये सूचना मिल रही थी कि ये लगातार सभी दल आजम खान से मिलने पहुंचेंगे। इसमें आज जब प्रमोद कृष्णन सीतापुर जिला कारागार पहुंचे तो पहले तो उनकी मुलाकात में काफी देरी हुई लेकिन जब उधर आजम खान से स्वीकृति मिली तब उनको मुलाकात का समय मिला, जिसमें कि जब प्रमोद कृष्णन बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से यही बात करते हुए बताया कि उन्होंने सबसे पहले तो आजम खान को जीता भेंट की जब जीता भेंट की तो आजम खान ने उसको स्वीकार किया और आजम खान के
जो अंदर बीत रही है उस पर काफी कुछ प्रमोद कृष्णन ने बताया। जी सुनीश, अगर बात करी जाए आजम खान की, तो ऐसा आजम खान और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी में कहीं ना कहीं सपा के लिए नाराजगी है कि 2 साल से जेल में बंद है, उनकी सुध नहीं ली गई, इतनी तबीयत भी उनकी खराब रही। तो आज जब कांग्रेस के नेता पहुंचे उनसे मिलने, तो उन्होंने उद्देश्य क्या बताया? क्या वो सिर्फ हालचाल जानने पहुंचे थे या फिर राजनीतिक मकसद देखा जा रहा है? जी हाँ, प्रमोद कृष्णन ने मीडिया से यही बात कही कि वह एक साधारण सी मुलाकात करने आए थे, लेकिन यह एक स्पष्ट दिखाई दे रही है आजम खान की तरफ से, क्योंकि जब कल रविदास मेहरोत्रा के नेतृत्व में सपा का एक डेलीगेशन पहुंचा था, तो आजम खान से उनकी मुलाकात नहीं होती, क्योंकि आजम खान ने अपना अस्वस्थ होने का बहाना बताया था। लेकिन आज जब कांग्रेस प्रवक्ता आजम खान से मिलने पहुंचे, तो उन्होंने उनसे मिलने की स्वीकृति दे दी। इससे यह साफ स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं आजम खान की सपा मुखिया अखिलेश यादव से नाराजगी चल रही है। जी सुनीश, जिस तरह से सपा की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई आजम खान की, और आजम खान इतने जाने माने व्यक्ति हैं, एक बड़ा चेहरा रहे हैं, और जेल में होने के बाद भी जहां ताता लग रहा है उनसे मिलने वालों का, किस तरह से देखते हैं राजनीति के रुख को, किस तरह से बदल सकते हैं आजम खान जेल में होने के बावजूद भी? जी देखिए, आजम खान मुस्लिम समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं और सपा के कद्दावर नेता भी हैं, लेकिन जब से उनके पर मुकदमे दर्ज हुए और उन पर कार्यवाही हुई और उनको जब जेल हुई, उसके बाद सपा की तरफ से कोई भी एक्शन उनको छुड़ाने का नहीं देखा जा रहा था। और ये देखा जाए कि बीजेपी जो लगातार, वो खुद आजम खान जब बाहर निकले, जब कोरोना काल में वो बीमार हुए, तब भी उन्होंने एक बयान जारी किया था कि उनको अंदर उनकी हत्या का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक ये चीज गौर की जा रही है कि जब अखिलेश यादव, जो कि सपा के मुखिया हैं, और ये जो आजम खान है वो सपा के कद्दावर नेता हैं, इन दोनों में तलखी देखी जा रही है। लेकिन ये एक कहीं ना कहीं सभी दलों में खुशी नजर आ रही है, क्योंकि सभी दल सोच रहे हैं कि आजम खान को अपनी दल में शामिल किया जाए, क्योंकि वो अपनी एक राजनीतिक कदम के लिए एक पैर शामिल कर लेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ सीतापुर से संवाददाता सुनीश तिवारी जुड़े थे। खबर देवरिया से है, जहां सलीमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सोन बरसा में पीड़ित हरीश शंकर यादव ने लेखपाल संतोष कुमार और ग्राम प्रधान मनोज यादव के खिलाफ रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है, जिसका ऑडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लेखपाल संतोष कुमार ने पीड़ित से 5,000 की रिश्वत मांगी है। ये वही जनाब है जो महाराजगंज में किसी पीड़ित से 5,000 रुपए मांगते दिखे थे, और इनके रिश्वत मांगने का वीडियो खूब वायरल हुआ था। वही जांच में दोषी पाए जाने के बाद इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, और अब इनका ये कारनामा देवरिया में भी देखने को मिला है, जबकि इसी मामले में ग्राम प्रधान ने भी पीड़ित से कहा था कि तुम कम से कम 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। वहीं इस वायरल हो रही ऑडियो की प्राइम टीवी की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन क्या कुछ बातचीत हो रही है आप भी सुनिए। वह हम कहने की आखिर कुछ कागज भी बन जाओ, बाकी कुछ खर्चा वही भाई जी सुना है, आपके पक्ष में हो जाएंगे कौन? अरे डीएम साहब आपको जिला था, ये चीज़ को पक्ष में करना है। हाँ काम खत्म लगा देंगे, जब आपका बन जाएगा 22 का मुकदमा 6 महीने चल जाएगा, काम खत्म। हाँ तो हिसाब से मतलब लेस जैसा कौन की दिया जाओ, जो कहते ना 2.5 लाख 3 लाख तो उन्होंने कहाँ हो पाई नहीं भागे लगने लिए कि मान लीजिए जब 2.5 लाख 3 लाख हम सोचा नहीं कि उतना व्यवस्था मतलब हो जाए ना पाई, तो कोने का करूँ बताइए। हमारी जो सोच है ना, हाँ 1.5 लाख रुपया देकर मैनेज हो जा महाराज, 1.5 लाख रुपया कहाँ हमने दे पाओ जी उतना। मेरे गुरु जमीनियाँ कास्टली कीमती भी है, आप जो बनवाएंगे तब ना समझ में आएगी। कास्टली तो बात, लेकिन मान लीजिए उतना हम लोग सक्षम नहीं ना है, आप जानते नहीं है। चलिए हमारी जो सोच चीज़ है, समान लीजिए 50,000 में ले लेना। 50,000 ले लिए हैं, लास्ट में जा जाते तो नहीं नहीं सुनिए जैसे सुनिए, कागज कोई नहीं मिलेगा, लेकिन बंजर की जमीन है आपका, उसमें जब बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वही बात वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
कुछ कॉलेज में तो बता दो, हम उनसे कुछ नहीं आप क्या? यही कहेंगे 10,000 रुपया आप दे दीजिएगा कुछ, और मैंने नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, दिन हो गए मैंने ये बात नहीं किया, मैंने कहा 10,000 रुपया कम से कम, 5,000 दे रहे थे, मैंने कहा 10,000 रुपया कम से कम आप दे दीजिए तो आगे हम उसमें बातचीत करते हैं, ये बात समझिए 10,000 रुपया मैंने बतिया लीजिए तब वो कितना काम है, एक हिसाब काम होके हो जाओ कितना कौन जो बर्तन उतर खूब संभव है क्या पहले ही बताओ ना पट्टा उठा भी नहीं गलत नहीं बोलते हैं इसलिए मैं जानता हूँ तो जानता हूँ आदि ऐसे नहीं के बहुत सारी के बारे जो ऑडियो वायरल हो रही है क्या है पूरा मामला जी सर ये हमारा 3 पुरुष से आबादी थी आबादी की जमीन थी गांव में उस पर हम मड़ई उड़ई गाय के लिए व्यवस्था कर रहे थे तो ये प्रधान लेखपाल आके रोक दिए और उसके बाद कहे कि कुछ पैसा तुम्हें खर्च करना पड़ेगा तब जाके तुम्हारा काम हो पाएगा तो हमको लगा कि कुछ थोड़ा बहुत की बात कर रहे हैं तो फिर इन लोगों ने 2,50,000 रुपये की डिमांड की 5,000 तत्काल ले लिया उसके बाद 2,50,000 रुपये मांगने लगे फिर हम कहे ऐसी हमारे पास व्यवस्था नहीं हो पाएगी फिर अपना पैसा मांगने लगे तो ये लोग पैसा भी नहीं दे रहे थे और 1,50,000 बता रहे थे कि तहसीलदार को 50,000 देना पड़ता है SDM को 50,000 देना पड़ता है रजिस्ट्रार को देना पड़ता है उसके बाद से तुम्हारा काम हो पाएगा सबको तहसील पर रोक दिया जाएगा तब तुम्हारा काम हो पाएगा नहीं तो तुम काम नहीं करवा पाओगे तो इस तरह से हमें ब्लैकमेल किया गया है मेरा 5,000 रुपया भी ले लिया गया है वो भी 5,000 रुपया नहीं देगा उसके बाद जब हम इन लोगों से मांगते मांगते थक गए तो फिर 17/4/2022 को अपना काम करवाना शुरू किए तो फिर इन्होंने पुलिस वुलिस ले जाके पूरा हमको बंद भी करवाया हमें हमारे भाइयों को 151 का धारा भी लगवाया शांति भंग का और उसके बाद ये हम जब थाने में बंद थे तो ये ले जाके पूरा पिलर उलर तोड़ दिए प्रधान और लेखपाल और मुंशी तीनों लोग मिलके ये जो ऑडियो वायरल हो रही है खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता रवि रावत जुड़ चुके हैं देवरिया से रवि पूरा मामला क्या बताया जा रहा है ग्राम प्रधान और लेखपाल द्वारा घूस मांगी गई है अभी इससे पहले भी ये मामला उठा था घूस का इसमें संलिप्त पाए गए थे अधिकारी और एक बार फिर से ये मामला उठा है क्या जानकारी है जी आपको बता दें कि देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील का यह मामला बताया जा रहा है जो सोमवरसा गांव का है जहां पीड़ित हरिशंकर यादव ने ग्राम प्रधान और लेखपाल और मुंशी पर गंभीर आरोप लगाया और वीडियो ऑडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है और ऑडियो में आप सुन सकते हैं कि ग्राम प्रधान ने स्पष्ट 1,50,000 रुपए की मांग की है और एक ऑडियो में ग्राम प्रधान मुंशी और लेखपाल तीनों ने पैसे का डिमांड किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि उस ऑडियो में आप सुन सकती हैं कि यहां तक कहा जा रहा है कि यह पैसा ऊपर तक जाएगा और तहसीलदार SDM को भी दिया जाना है और यह एक जांच का विषय है ये बहुत बड़ी सवालिया निशान खड़ा करता है कि ऐसे में उस लेखपाल और मुंशी के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई जी तो क्या अब कार्रवाई की जाएगी क्योंकि लेखपाल के ऊपर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है ये बात की जानकारी मिल रही है तो क्या दोबारा कार्रवाई होगी किस तरह से होगी कार्रवाई कि आपको बता दें कि महाराजगंज में परतावल हलका में एक बार इनका काफी किरकिरी हुई थी इस लेखपाल की जो एक वीडियो में 5,000 रुपए मांगने की बात कर रहे थे जांच गठित कर इन्हें निलंबित कर दिया गया था और यही अब यहां देवरिया जनपद में भी देखने को मिल रहा है जहां लेखपाल का ऑडियो खूब वायरल हो रहा है और इसपे अफसर कुछ कहने से ऐतराज जता रहा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जी पीड़ित का क्या कहना है पीड़ित क्या मांग कर रहे हैं पीड़ित द्वारा बताया गया है कि जब तक मैं पैसा नहीं दूंगा तब तक मेरा काम रुक गया है और काम नहीं करवाने दिया जा रहा है और 1.5-2 लाख रुपए की डिमांड किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब तक तुम पैसा नहीं दोगे तुम्हारा काम नहीं होगा जी तो ऑडियो वायरल होने के बाद क्या इसे किसी ने संज्ञान में लिया है जी जी आपको बता दें कि देवरिया जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह से इस विषय में बात की गई उन्होंने मामले को अभी संज्ञान में बताया है और जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता रवि रावत जुड़े थे देवरिया से देश में कोरोना के मामलों में फिर से एक बार फिर बढ़ोतरी शुरू हो गई है दिल्ली समेत कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है वहीं यूपी में कोरोना बीते 24 घंटे में
कोरोना के 213 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान राज्य में 2 मरीजों की मौत भी कोरोना से हुई है। गाजियाबाद में 56 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा आगरा में 15, लखनऊ में 10 और मेरठ में 8 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य में सख्ती बढ़ा दी गई है और मास्क को एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।